हम बात करने वाले हैं क्रेटा के क्लाइमेट कंट्रोल के बारे में। ये जो है वह क्रेटा के SX मॉडल से मिलना चालू हो जाता है आपको क्लाइमेट कंट्रोल। उससे नीचे के मॉडल में आपको मैनुअल कंट्रोल से मिलेंगे, यानी कि मैनुअल AC मिलेगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि क्रेटा के इस क्लाइमेट कंट्रोल को यूज़ कैसे किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप अगर देख रहे होंगे तो एक और दो, ये दो नॉब हैं, और उसके बीच में जो आपको बटन दिख रहे हैं तो ये तो AC ऑन और ऑफ करने के लिए हैं। बीच में आपको डिस्प्ले मिल जाएगा जिससे कि आपको जानकारी रहेगी कि आपकी फैन की स्पीड कितनी है, टेम्परेचर क्या है, ठीक है। और उसके बाद में ये जो ऊपर आपको ये बार दिख रहा है उसको मूड बार कहते हैं। जैसे ही आप अपनी गाड़ी की पार्किंग चालू करेंगे, पार्किंग लाइट्स, तो ये आपको यहाँ पे दिख जाएगा ब्लू कलर का। तो जैसे जैसे आप इसका टेम्परेचर चेंज करोगे इसका कलर भी चेंज होता जाएगा। जैसे कि अभी मैं गाड़ी का टेम्परेचर जो है वो बढ़ा रहा हूँ तो देखिए इसका कलर भी चेंज हो रहा है। चलिए तो अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये है पुश ऑटो, मतलब ये ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल चालू हो गया है जैसे कि आपको दिख रहा है। इसमें इसमें क्या होता है, अगर आपने पुश ऑटो दबाया तो ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल का मतलब ये होता है कि गाड़ी आपकी जो यहाँ पे जो आपको आउटसाइड टेम्परेचर बता रहा है 27 डिग्रीज, तो ऑटो दबाने के बाद गाड़ी जब तक आपकी गाड़ी का इनसाइड टेम्परेचर 27 डिग्रीज नहीं हो जाता, या आपने जो स्पेसिफिक टेम्परेचर रखा है, सपोज मैंने अभी 23 डिग्री रखा है, जब तक गाड़ी का टेम्परेचर 23 डिग्रीज नहीं हो जाता तब तक ये ऑटो फंक्शन में आपकी फ़ैन की स्पीड जो है वो टेम्परेचर के हिसाब से एडजस्ट होती रहेगी। जैसे ही गाड़ी ने स्पेसिफिक टेम्परेचर जैसे 23 डिग्री कैबिन के अंदर टेम्परेचर हो गया तो आपकी गाड़ी की फ़ैन स्पीड अपने आप कम हो जाएगी। तब तक के लिए ये फ़ैन स्पीड गाड़ी अपने हिसाब से मतलब एडजस्ट करती रहेगी। लेकिन अगर किसी भी टाइम आपको अगर नहीं चाहिए हो इतनी, अभी ये फ़ैन स्पीड पे आपको ठंडा लग रहा हो और नहीं चाहिए हो, तो कभी भी आप ये नॉब घुमा के इसको बंद कर सकते हैं। तो उसके बाद में जो है आपको यहाँ पे पांच बटन दिख रहे होंगे। तो ये जो बटन है वो है मोड का बटन, जैसे कि अभी पूरा एयर सर्कुलेशन जो है वो फेस की तरफ है, इसको मैं एक बार प्रेस करूँगा तो अभी पैर की तरफ भी हो गया, ठीक है, अभी दोनों तरफ चालू है, मतलब हमारे सॉरी फेस को भी हवा लग रही है और पैरों को भी हवा लग रही है, ठीक है। उसके बाद इसको फिर से प्रेस करने के बाद सिर्फ पैरों को ही हवा लगेंगी, मतलब ऊपर का बंद हो जाएगा। उसके बाद जो आता है वो है डिफॉगर का, मतलब यहाँ से जो है वो विंडस्क्रीन पे हवा जाएगी और आपके पैरों को हवा लगेगी, ठीक है। उसके बाद प्रेस करने के बाद फिर से अपना वो इसका मोड आ जाएगा फेस के लिए, ठीक है। उसके बाजू में जो बटन है वो है डिफॉगर का, फ्रंट डिफॉगर, जो इसमें भी है और इसमें आपको डायरेक्ट ऑप्शन मिलता है, मतलब पूरी हवा आपकी अभी सामने से आ रही है, मतलब विंड स्क्रीन पे आ रही है, जो आपको बारिश के सीजन में मतलब ये वाले सीजन में काम में आएगा, ठीक है। उसके बाद इसको ऑफ कर देंगे, ये तो रियर डिफॉगर का है, ठीक है। ये है एयर सर्कुलेशन का बटन, इसको अगर हम दबाएंगे तो गाड़ी में जो एयर है वो अंदर ही अंदर सर्कुलेट होती रहेगी, और इसको बंद करने के बाद जो बाहर की एयर है मतलब बाहर की फ्रेश एयर गाड़ी के अंदर आएगी। तो मेरे एक्सपीरियंस से अगर मैं बताऊँ तो हर आधे घंटे के बाद गाड़ी को बाहर की एयर के लिए एयर सर्कुलेशन पे रखना चाहिए, क्योंकि जो हमारी गाड़ी में जो है वो खिड़कियाँ पूरी AC में बंद रहती है, अगर गाड़ी में ज़्यादा पैसेंजर रहे तो उसका हमें ही नुकसान होता है, क्योंकि गाड़ी के अंदर ऑक्सीजन आने के लिए जगह नहीं रहती है। तो इसके लिए हर आधे घंटे में, अगर आप लॉन्ग टूर पे जा रहे हो तो हर आधे घंटे में एक बार, कम से कम एक बार इसे ऑन करना चाहिए, जिससे कि फ्रेश एयर अंदर आ जाती है और आपको मतलब ये महसूस नहीं होता कि नहीं तो आपको चक्कर आ सकते हैं, ये ज़रूर याद रखिएगा ये। और उसके बाजू में जो है वो ऑफ का बटन है, यहाँ पे आपका AC पूरा ऑफ हो जाएगा, ठीक है। ह्यूंडई क्रेटा के AC के सिस्टम में एक क्लीन एयर करके, ये क्लीन एयर करके जो फिल्टर होता है ना, तो वो फिल्टर आपके ग्लव, ये जो ग्लव बॉक्स है इसको खोल के इसके पीछे एक फिल्टर होता है,
वो फिल्टर में आपको पूरा कचरा सब जमा हो जाता है। और ये यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, ये जो तीन लाइन है, यहाँ पे आपका टेम्परेचर के लिए एक सेंसर रहता है, जैसे कि आपकी फैन स्पीड जिससे मेजर होती है, वो गाड़ी का टेम्परेचर आपको कैबिन के अंदर का यहाँ से गाड़ी को पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा वीडियो क्रेटा के इसके बारे में, क्लाइमेट कंट्रोल के बारे में। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मेरे वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोगों का ऐसा ही सपोर्ट मिलता रहा तो मैं और अच्छे अच्छे वीडियो डालूंगा। मैंने मेरी गाड़ी का क्रेटा का पूरा म्यूज़िक सिस्टम का वीडियो डाला हुआ है, तो प्लीज़ आपको मैं आई बटन में दे दूंगा, वो जाके ज़रूर चेक कीजिएगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मैं और भी ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा। और मैं मेरी गाड़ी का पूरा एक रिव्यू डालने वाला हूँ, क्योंकि मुझे अभी 1 साल पूरा हो गया है गाड़ी लेके, तो मैं जल्दी वो वीडियो भी डाल दूंगा। सो थैंक यू वेरी मच मेरा वीडियो देखने के लिए, और अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। सो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, बाय, टेक केयर।